बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की, जहां पर किसानों के लिए चलाई गई कर्ज माफी की योजना को बंद करने की तैयारी में है। सरकार के मुताबिक इस योजना के लिए करीब 36,000 करोड़ रुपए अपने बजट से खर्च किए गए और करीब 86 लाख किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया गया। सरकार 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के जश्न में इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकती है। योगी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी के वादे पर अमल किया और ऐलान किया था। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ किसानों का कर्ज माफ किया था। पिछले काफी समय से छोटे किसानों की शिकायतों की जांच और पात्र किसानों को लाभ पहुंचाने की कार्रवाई चल रही थी। पिछले दिनों इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गठित सशक्त समिति की बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। फिलहाल जो किसान कर्ज माफी से छूट गए हैं उनकी शिकायतों का निस्तारण 15 दिन में करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक योजना को 2 साल से ज्यादा वक्त कामयाबी के साथ संचालित करने के बाद इसे बंद करने का फैसला किया जा चुका है और अब औपचारिक ऐलान का इंतजार है। चलिए इस पर और कुछ ज्यादा अपडेट लेंगे। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, कर्ज माफी को लेकर एक योजना सामने आई थी, लेकिन अब इसका क्या औपचारिक ऐलान होगा कि ये योजना बंद होगी? विशाल, आप तक अब आवाज पहुंची तो जानना चाहेंगे कि कर्ज माफी की योजना जो चलाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, इस योजना को बंद करने का अब ऐलान किया जाएगा? संपर्क जो उनसे नहीं बन पाया, लेकिन आपको बता दें कि अब इसे बंद करने का फैसला किया जा चुका है, ऐसी खबर है, और अब इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। तो 2 साल से ये योजना, 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका था क्योंकि ये योजना चल रही थी और कामयाबी के साथ संचालित करने के बाद इसे बंद करने का फैसला किया जा चुका है। तो पिछले दिनों इस योजना के सफल क्रियान्वयन के गठित सशक्त समिति की बैठक की योजना में प्रगति की समीक्षा की गई थी कि कितना प्रगति इसमें हुआ है, कितने लोगों को, कितने किसानों को इससे फायदा मिला है, पूरी समीक्षा की गई। और उसके बाद फिलहाल जो कर्ज माफी के लिए किसान छूट गए हैं उनकी शिकायतों का निस्तारण करने के लिए 15 दिन का और समय रखा गया है कि 15 दिन के अंदर उन किसानों को सहायता दी जा सके, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जानकारी जो हाथ लगी है उसके मुताबिक योजना को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और कामयाबी के साथ संचालित की गई है, तो इसे बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। तो किसानों की कर्ज माफी के वादों को, जो कि विधानसभा चुनाव में रखा गया था, इस पर अमल करने का ऐलान किया गया था और अब इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कर्ज माफी की योजना जो कि लगभग 2.5 साल का समय पूरा कर चुकी है, अब ये योजना बंद करने की तैयारी में है सरकार? हाँ, देखिए बिल्कुल, जब सरकार आ रही थी तब उसने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा था कि वो किसानों का कर्ज माफ़ करेगी, और जब यूपी में सरकार आ गई, भाजपा की सरकार बन गई, तब से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और किसानों की कर्ज माफ़ी की जो प्रक्रिया थी उसमें 36,000 करोड़ रुपए का जो बजट था वो लाया गया था, पहला जब बजट योगी सरकार ने अपना पेश किया था, उसके बाद से ये प्रक्रिया चल रही थी। और अब ये माना जा रहा है कि 2.5 साल की जो कार्यकाल पूरे हो गए हैं, 19 तारीख को ये ऑफिशियल जो है पूरे हो जाएंगे, तब ये अपनी उपलब्धि के तौर पर सरकार जो है ये पेश कर सकती है कि उसने 86 लाख के ऊपर जो किसान हैं उनके कर्ज को माफ़ किया है, 36,000 करोड़ रुपये की जो धनराशि है वो खर्च की है, और इसमें लघु और सीमांत किसान और तमाम और भी जो कैटेगरी के किसान हैं वो शामिल हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि सरकार के खाते में आई है और वो 2.5 साल अपने पूरे करने के वक्त इन उपलब्धियों को जनता के सामने रख सकती है, बता सकती है कि जो उसने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था वो वादा पूरा किया है। चूँकि जब सरकार जब बनी थी तभी ये कहा गया था कि प्रक्रिया जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, तो फिलहाल सरकार के आधे
कार्यकाल में ये प्रक्रिया खत्म हो गई है और 19 तारीख को ऑफिशियल तौर पर सरकार ये अनाउंसमेंट कर देगी कि ये जो कर्ज माफी की जो प्रक्रिया थी ये खत्म हो गई है, तमाम जो किसान हैं उनकी कर्ज माफी कर दी गई है और 36,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो इसमें खर्च की गई है। ठीक है, तो लेकिन भविष्य में क्या हम समझे कि अभी ये योजना फिर से दोबारा लाई जा सकती है, या ये समझे कि इसके बाद अभी फिर से मंथन करना होगा कि जितने किसान रह गए हैं उनके कर्ज को फिर से माफ करने के लिए कोई प्लानिंग हो? हाँ देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भविष्य में इन सब चीज़ों को लेकर एक रोड मैप जरूर बनाना होगा, क्योंकि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की, जो यूपी के कृषि मंत्री हैं, तो उन्होंने इस बात को जरूर कहा था कि हमारी कोशिश पहले ये रहेगी कि जो रजिस्टर्ड किसान हैं, जिनके जो किनके पास किसान कार्ड है और जो रजिस्टर्ड किसान हैं लघु सीमांत का जो क्राइटेरिया है, ये सब जो है हम पहले डिवाइड करेंगे और उसके आधार पर जल्द से जल्द पहले जो किसानों का कर्ज है वो माफ़ करेंगे। उसके लिए धनराशि जो आवंटन की गई थी वो 36,000 करोड़ रुपए की गई थी और योगी सरकार ने अपने बजट में ये पैसा लाया था। उसके बाद अब चूंकि 2.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे 19 तारीख को, ऐसे में योगी सरकार जाहिर सी बात है कि इस उपलब्धि को जनता के सामने रखेगी और आगे क्या कुछ किसानों के लिए करना है इस बात को लेकर मौका भी है। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी देने के लिए।